विदिशा जिले की लटेरी तहसील के थाना मोरवास के ग्राम आलमपुर में एक युवती के साथ बलात्कार और पति की हत्या। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मोरवास के ग्राम आलमपुर में नर्मदा प्रसाद कुशवाहा बटिया से जमीन लेकर उसी जमीन पर टपरा में रहता था। गत रात्रि सुनील एवं मनोज टपरे पर पहुंचे, जहां तीनों ने शराब पी। शराब के नशे में सुनील ने नर्मदा प्रसाद की पत्नी के साथ बलात्कार किया। बलात्कार की जानकारी जब नर्मदा प्रसाद को लगी तो उसने विरोध किया, तो मनोज ने उसके गला दबाकर हत्या कर दी। बलात्कार के साथ हत्या का मामला सामने आते ही लटेरी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी मूरवास सुरेश शर्मा मौके पर पहुंचे। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हत्या एवं बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर जांच में जुटी है। दोनों आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार है। सिरोंज से शब्बू गौरी की रिपोर्ट। घटना हुई है यहाँ पे औरारिया में, जी किस प्रकार की घटना हुई? मृतक नर्मदा प्रसाद कुशवा जो है मुरारिया गांव के करीब 5 किलोमीटर दूरी पर उसके खेत पर एक बटाई से खेती ले रखी है उसने, वहां रहता है परिवार से। इसकी पत्नी का कहना है कि इसके घर पर रात्रि में गांव के ही सुनील कुशवा और मनोज अहिरवार आए थे। इसके पति के साथ इन्होंने शराब पिया और इसके बाद जो है सुनील द्वारा इसके साथ जो है खोटा काम किया, बलात्संग किया। इसके आदमी को जब जानकारी लगी, आदमी द्वारा विरोध करना जो है, आदमी को जब जानकारी लगी तो मनोज ने जो है उसको वहाँ जाने नहीं दिया और पत्नी के कहे अनुसार जो है उसने गला दबा करके जो है उसके पति की हत्या कर दी। सर आरोपी अभी फरार हैं, उसमें से हम क्या कहें? उनकी तलाश की जा रही है, बहुत जल्दी जो है उसको हिरासत में ले लिया जाएगा।